कृष्णा माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। ग्लोसी पोर्टिगो सर्वसंपूर्ण चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज तक जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई है हमारे चैनल पे, सबसे ज्यादा क्वेरीज और क्वेश्चंस ये आए हैं कि आपने मंदिर कहाँ से लिया है, कितने बड़े हैं, कितने प्राइस के हैं आपके मंदिर, दुर्गा माँ का विग्रह कहाँ से लिया है, कितने प्राइस में मिले हैं विग्रह, राम दरबार कहाँ से लिया है, कितनी हाइट है, हमारे कन्हैया जी का विग्रह की कितनी हाइट है, राधा रानी के विग्रह की कितनी हाइट है, भोले बाबा के विग्रह की कितनी हाइट है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। ऑल्दो मैंने काफी हद तक सारे क्वेरीज का रिप्लाई किया है, फिर भी सबको सारे डिटेल्स जानने हैं, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और मैं एक एक करके सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि कौन सा विग्रह मैंने कहाँ से लिया है, कितने हाइट के हैं, कितने प्राइस पड़ा है, आप कहाँ से ले सकते हो, इनकेस वो गिफ्टेड भी हैं फिर भी कहाँ से आए हैं, किस जगह से, वो लिंक भी मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे भोले बाबा से। भोले बाबा का विग्रह जो है उनकी हाइट है 4 इंचेस। सारे विग्रह अंदर से ठोस हैं, खोखले जो भी विग्रह होते हैं उनकी पूजा नहीं होती है, सारे विग्रह अंदर से ठोस होने चाहिए, वो मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। हमारे भोले बाबा का विग्रह हमने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट ऑनलाइन साइट से, फ्लिपकार्ट से ये आए हैं, पहली बार में ही ये अच्छे विग्रह आए हैं, इनका त्रिशूल वगैरह सब इसमें अटैच है, हम डिटैच भी कर सकते हैं चीजें। आपने नहीं देखी तो शिव भगवान के श्रृंगार की वीडियोस आप देख सकते हो, उसमें सारे डिटेल्स हैं। इनकी प्राइस जो मैंने पे की थी फ्लिपकार्ट पे वो है ₹1500 प्लस डिलीवरी चार्जेस अलग से। अब आते हैं माता रानी के विग्रह के बारे में जान लेते हैं। माता रानी का जो विग्रह है पूरा शेर के पैर से लेके माता रानी का पूरा विग्रह जो है उसकी टोटल हाइट है 6 इंचेस, और सिर्फ माता रानी की हाइट लेंगे तो वो 5 इंचेस है। माता रानी का विग्रह हमने अमेजन ऑनलाइन से ऑर्डर किया था और उसका प्राइस है 2640 जब मैंने ऑर्डर किया था। अभी करंट उनका प्राइस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो तो आपको जाके चेक करके पता चलेगा, बट जो मैंने पे किया था मैं एग्जैक्ट नोट करके रखी हूँ वो आपको बता रही हूँ, कोई भी प्राइस इधर से उधर नहीं है। अब चलते हैं हमारे कन्हैया जी पे, हमारे किशन भगवान पे। तो हमारे जो किशन भगवान है, सांवले सरकार जो अभी सामने विराजित है, उनका विग्रह और राधा रानी का विग्रह मेरी प्रिय सहेली ने मुझे मेरे बर्थडे पे भेजा था। उन्हें पता था कि मैं किशन भगवान को, राधा रानी को कितना मानती हूँ, तो उन्होंने मेरे बर्थडे पे राधा रानी और किशन जी को ही साक्षात भेज दिया था। बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि कितने इंचेस के हैं, कहाँ से ऑर्डर किए, तो वो तो उन्होंने भेजा था, बट जब मेरे पास क्वेरी आई तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने लिंक दिया, उन्होंने भी अमेजोन से लेकर के ही मुझे भेजा था। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनका प्राइस उस टाइम अराउंड 1100 था, 1100 में दोनों विग्रह आ गए थे, उनकी हाइट है 5 इंचेस। अब आ जाते हैं राम दरबार पे। दरबार जो है वो भी अमेजोन ऑनलाइन से आए थे और इनके विग्रह की प्राइस थी ₹2800। इसमें हमारे बजरंग बली, सीता मैया, लक्ष्मण जी सब लोग एक ही सिंहासन पर विराजित हैं, आप देख सकते हैं। तो इनका टॉप टू बॉटम तक का जो हाइट है वो है 7 इंचेस, सिंहासन का हाइट और स्टैंड का हाइट पूरा मिला के जो है लेंथ वो है 7 इंचेस, और जो विग्रह है वो सारे 5 इंचेस के हैं हमारे राम दरबार भी। अब आ जाते हैं हम अपने गणपति जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती मैया के विग्रह की तरफ। तो गणपति जी, सरस्वती मैया बहुत पहले से पूजित हैं हमारे घर में, तो उनका डिटेल्स नहीं है मेरे पास, वो ज्वेलर शॉप से लिए हुए थे उनके विग्रह, और उनकी जो हाइट है वो 2 इंचेस है। सरस्वती मैया यहाँ से ज्वेलर शॉप से ही आई है, नई विग्रह है उनकी, लास्ट ईयर ही आई थी, वो भी हाइट हमने मैच करके 2 इंचेस ही ली है, और सारे चांदी के हैं और ज्वेलरी शॉप से लिए हुए हैं।
इनका प्राइस अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं अलग से डिटेल में मेंशन कर दूंगी, क्योंकि उस टाइम सिल्वर का रेट क्या था, अभी सिल्वर का रेट क्या है, उस सारी चीजों पे, वेट पे डिपेंड करता है इनका प्राइस। अब आ जाते हैं हमारे प्यारे दुलारे लड्डू गोपाल के विग्रह के बारे में जानकारी ले लेते हैं। लड्डू गोपाल जी पहले से सेवित हैं और जब हमने लिया था तो वो 2 नंबर के थे और उनका प्राइस अभी हमें बिल्कुल भी याद नहीं है कि कितना पे किया था उनके विग्रह के लिए हमने, तो वो तो सबके पास लड्डू गोपाल है तो वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कितने में क्या पड़ेगा। अब है शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान के भी दर्शन आपने कर लिए होंगे, मैं यहाँ शो कर देती हूँ, इधर विराजमान है ये देखिए, इनका श्रृंगार आपने नहीं देखा तो जरूर चेक कीजिए, बड़ा ही प्यारा श्रृंगार हुआ है। शालिग्राम जी यहाँ मुझे नहीं मिल रहे थे तो मेरी माँ ने घर से लेकर के उन्हें भेजा था कुरियर के द्वारा, फिर हमने यहाँ स्थापना की, तो उनका भी प्राइस कुछ भी मुझे नहीं आइडिया है कहाँ कितने के आए थे वो विग्रह। ये जो छोटा सा विग्रह आप देख रहे हैं बाके बिहारी जी का, ये स्वयं वृंदावन से हैं, तो इनका मुझे प्राइस वगैरह याद नहीं है। गौ माता जो है वो पीतल की है, वो भी पूरी ठोस है, वो इस्कॉन पुणे की है, उस टाइम इनका विग्रह की प्राइस अराउंड 250 रुपीज ही थी। इस्कॉन में चीजें महंगी नहीं मिलती है, जो एक्चुअल प्राइस होता है उसके अराउंड ही मिलती है, तो वहां से आप अच्छे से कुछ भी विग्रह परचेस कर सकते हैं। यदि आप करें सारे तस्वीरों की बात तो ये सारे तस्वीर पहले से पूजित हैं, तो इनके प्राइस का आइडिया मुझे बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो हमारे शिवलिंग त्र्यंबकेश्वर भगवान है, जब हमने त्र्यंबकेश्वर की यात्रा की थी तब वहां से लिया था। यहाँ साईं बाबा है, हम शिरडी गए थे तो साईं बाबा का प्यारी सी छवि हमने वहां से ली थी। अब लास्ट में मैं मंदिर के डिटेल्स दे देती हूँ। मंदिर मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, मैंने हर जगह मंदिर देखा, शॉप्स पे देखे, अमेजोन पे देखा, फ्लिपकार्ट पे देखा, बहुत सारे वेंडर से बात की, फर्नीचर शॉप पे गई, इतनी चीजें मुझे बहुत अच्छी नहीं मिल रही थी जैसा मुझे चाहिए था। लेकिन एक दिन मैं फ्लिपकार्ट पे गई और मंदिर ढूंढ रही थी और अचानक से मेरी नजर पड़ी इस मंदिर पर। तो आप जो भी वर्क देख रहे हैं इस मंदिर में, यहाँ पे कार्विंग जो वुडन है ये प्योर सागवान की लकड़ी का है, और बाकी जो आप यहाँ पे लकड़ी देख रहे हैं ये सागवान का प्लाईवुड है, कार्विंग प्योर वुड से की हुई है। तो इनका एक्चुअल प्राइस जो साइट पे मेंशन थी वो 24,500 मेंशन थी, लेकिन कुछ ऑफर्स चल रहे थे, मेरे कार्ड पे भी कुछ ऑफ था और सारा कुछ कैलकुलेट करके फाइनल प्राइस जो मंदिर का मेरा पड़ा है वो है 16,000। 16,000 में ये मंदिर मेरे घर पर डिलीवर हो गया था, प्योर सुरक्षित, सारी चीजें अच्छे से, एक भी इसमें कुछ भी डिफेक्ट नहीं था, बस ये प्रभु की इच्छा थी तो वो आ गया। ये पूरे मंदिर की जो हाइट है वो 4 फीट 9 इंचेस है, जो चौड़ाई है वो 3 फीट है, 3 फीट में सारे भगवान जी अच्छे से आ जाते हैं, स्पेस भी रह जाती है भोग लगाने की, दिया जलाने की, सारी चीजें आप देख सकते हैं। और जो डेप्थ है इनका वो है 1.5 फीट यानी 1.5 फीट, हाइट हो गई इनकी 4.9, विड्थ हो गई इनकी लगभग 3 फीट और डेप्थ हो गई इनकी लगभग 1.5 फीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देखना चाहते हैं आगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं किया है तो। इसके साथ मैं विदा लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, हरे कृष्ण।